हेलो दोस्तों, मैं हूं मेरुल खान। स्वागत है मेरे चैनल सोना 3D होम डिज़ाइन में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 40x45 के होम डिज़ाइन के बारे में। ओके, तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि ये ऑरेंज कलर का डिज़ाइन है। उसके बाद गाइस दूसरा जो है ये रेड में है, ठीक है। और तीसरा जो है ये थोड़ा सा मतलब अलग कलर में है, ठीक है। तो मतलब ये तीन तरह का कलर है। जैसे कि एक ये 40x45 में बना है, और लास्ट तक देखिएगा इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर में जो है गाइस तीन बेडरूम, किचन, बाथरूम, हॉल, और ऊपर में गाइस दो बेडरूम, किचन एंड ओपन टेरेस गार्डन। और यहाँ पे भी पीछे एक ओपन टेरेस गार्डन है, तो मैं भी इसका नक्शा भी दिखाऊंगा। एंड लास्ट तक देखिएगा गाइस तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, नक्शा मैं आपको दिखाता हूँ इसका 40x45 का। ओके, तो गाइस पहले हम बात करते हैं इसका डायरेक्शन। ओके ठीक है, तो जैसे मैं भी इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। तो गाइस 40 फीट जो है वो लंबाई है और 45 फीट चौड़ाई है, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ फेस हाउस प्लान है, तो पहले ग्राउंड फ्लोर में रोड है, सामने रोड हो गया, ठीक है। और गाइस एक दो एंट्री है, एक यहाँ पे गेस्ट रूम है और एक यहाँ पे डाइनिंग हॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गाइस दो एंट्री है, जैसे कि गेस्ट रूम में और एक डाइनिंग एरिया मतलब लिविंग हॉल में जाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि गेस्ट रूम का साइज जो है गाइस, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। तो गैस जैसे कि गेस्ट रूम का साइज हो गया 13x15 का, 15 फीट चौड़ाई है, 13 फीट लंबाई है। और जो गैस ये रेड रेड है, ये हमारा कॉलम है, ठीक है। विंडो वगैरह भी दिया हुआ है हमने। उसके बाद डाइनिंग एंड लिविंग हॉल में जो है गैस इसका साइज देख सकते हैं 16x10x22x8 है। उसके बाद एक किचन हॉल आ जाता है सामने, ठीक है, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ईस्ट फेस में जो कि अग्निकोण बोला जाता है, उसमें हमारा जो सिलेंडर होगा गैस चूल्हा यहाँ पे हो गया, जो कि 11x11 का किचन हो गया। एक पूजा रूम हो गया वास्तु के अकॉर्डिंग, जो कि 5x5 का हो गया। उसके बाद एक स्टोर रूम हो गया। एंड गैस पीछे जो है इसका एक बेडरूम हो गया, जैसे कि 11x15 फीट 6 इंच लंबाई और 11 फीट चौड़ाई है। और एक टॉयलेट अटैच है, मतलब कि मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से हमारा एंट्री है, ठीक है, मतलब ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे यूपी मतलब लिखा आप, तो यहाँ से जब हम कंटिन्यू स्टेप देकर के ऊपर आएंगे तब डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर उसके बाद गैस 11x15 का एक बेडरूम हो गया। उसके बाद गैस एक बेडरूम का साइज 11x15 का एक बेडरूम, ये दोनों का सेम साइज है। उसके बाद एक बाथ और एक टॉयलेट अलग अलग हो गया, नहाने के लिए अलग एंड बाथरूम के लिए अलग है यहाँ पे। एंड गेस्ट रूम के साथ कोई भी अटैच नहीं है, मतलब कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से गेस्ट रूम के अकॉर्डिंग मतलब न बाथरूम टॉयलेट अटैच है, मतलब उसके लिए अलग से एक एंट्री है। और अगर गेस्ट को भी अगर जाना हो तो यहाँ से अगर एक एंट्री खोल सकता है, बट यहाँ पे मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है, मतलब क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नक्शा बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट फ्लोर का नक्शा मैं आपको दिखाता हूँ। गैस फर्स्ट फ्लोर में जो है यहाँ पे सामने मतलब कि टेरिस गार्डन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टेरिस गार्डन हो जाएगा। और इस साइड भी बालकोनी हो गया हमारा, और इस साइड भी बालकोनी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी बालकोनी हो गया, ये भी बालकोनी और टेरिस गार्डन हो गया। यहाँ जो गैस बीच में जो है कटआउट रहेगा 7 फीट का, ठीक है, मतलब राउंड शेप में कटआउट रहेगा ग्राउंड फ्लोर का छत में। फर्स्ट फ्लोर का छत में प्लेन रहेगा, इसलिए कि झूमर उमर लगेगा, इसको डुप्लेक्स होम बोला जाता है, ठीक है। तो एक बेडरूम का साइज हो गया 11x11 का। एंड डाइनिंग हॉल हो गया इसका, जो डाइनिंग एंड लिविंग हॉल भी बोल सकते हैं, बड़ा है, तो 20x10x14x11 का हो गया। और इधर 16x7 है, ठीक है। तो वैसे किचन जो गाइस पहले हमारा ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे था, बट फर्स्ट फ्लोर पे जो है किचन हमारा पीछे चले जाएगा, एज पर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद एक ऑफिस हो जाएगा यहाँ पे ऊपर में, ठीक है। और उसके बाद एक टेरिस गार्डन हो जाएगा यहाँ पे बड़ा सा। उसके बाद बाथरूम एंड टॉयलेट मतलब सेम रहेगा नीचा। एंड एक बेडरूम रहेगा हॉल से अटैच, एंड एक टेरिस में जाने के लिए, और इसका भी टेरिस पे आने के लिए एक गेट यहाँ से रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है 40x45 का। तो गैस अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं ऐसे ही नक्शा मतलब बनाते रहता हूँ, मतलब मेरा नंबर है, आप वहाँ पर कॉल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। ओके, थैंक यू।